नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS Excel के बहुत ही पावरफुल ऑप्शन के बारे में, यानी शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। शॉर्ट एंड फिल्टर MS Excel का बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को फिल्टर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा शॉर्ट एंड फिल्टर का, जिसमें लोएस्ट टू हाइएस्ट एंड हाइएस्ट टू लोएस्ट, यानी किसी भी डेटा को आप असेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो फिर आप उसे डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, फिल्टर यहाँ पर लगाना होगा। फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे एक बटन हमारे सामने नजर आएगा, इस वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने फिल्टर लग जाएगा। या तो आप इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं और या तो फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबा करके फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी हमारा डेटा असेंडिंग के अंदर कन्वर्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा यूज होगा नहीं। तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे सॉर्ट जेड टू ए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा था वो देखेंगे आप डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमारा रोल नंबर 1 था तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ हमारा 1, 2, 3, 4 से डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो गया। इसको वापस से अगर आपको असेंडिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके वापस से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं। तो वापस से आप देखेंगे हमारा डेटा वापस से असेंडिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसका यूज़ करके आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ कलर्स का यूज़ किया हुआ है, तो मैं कलर्स के हिसाब से इसको फिल्टर करना चाहता हूँ तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए पूरे डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए या तो फिर आप जिस डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं या जिस डेटा पर सॉर्टिंग का यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सॉर्ट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक वार्निंग आ जाएगी। इसके अंदर दो ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी आप अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी इतने ही डेटा को आपको फिल्टर करना है या और भी कोई डेटा है जिसको आप फिल्टर करना चाहते हैं तो वो आप फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है हमें सिर्फ इतना ही फिल्टर करना है। तो हमने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। सॉर्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स के अंदर आप देखेंगे जो हमारा हिस्ट्री का टैब था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेल कलर शो हो रहा है, वैल्यू शो हो रहा है, फॉन्ट कलर शो हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन शो हो रहा है, यानी इतने टाइप से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा सेल कलर से। सेल कलर को सिलेक्ट करने के बाद जितने जो भी डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस डेटा में जितने भी कलर्स यहाँ पर होंगे वो सारे कलर यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इसमें से हम कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया येलो कलर। येलो कलर को मैं चाहता हूँ ये टॉप पे आ जाए तो यहाँ पर बॉटम को हटा करके हमने ले लिया ऑन टॉप, और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पर प्रेस करूंगा आप देखेंगे येलो कलर हमारा टॉप पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप और भी कलर्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और भी कलर्स को आप यहाँ पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको करके दिखाता हूँ, हमें जाना है सॉर्ट वाले ऑप्शन पर और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर सॉर्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपना कलर चूज कर लेना है। मान लीजिए ये कलर हमें बॉटम पे चाहिए और यहाँ से आपको अपनी कंडीशन सेलेक्ट करनी है कि सॉर्टिंग आप किस में करना चाहते हैं, और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया ऑन बॉटम, और जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा आप देखेंगे ये कलर हमारा बॉटम में कन्वर्ट हो गया, यानी बॉटम में रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है इससे फिल्टर को लगाया जाता है या फिल्टर को हटाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन है क्लियर का। क्लियर ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन यूज की है, जैसे मान लीजिए हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग का यूज किया, या फिर हमने किसी डेटा को यहाँ से अनहाइड कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से 1 और 2 का डेटा सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो हमारे सामने सिर्फ दो बंदों का ही डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करूंगा तो हमारा पूरा का पूरा फिल्टर जो भी हमने लगाया था, जो भी कंडीशन हमने लगाई थी, वो सारी की सारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्लियर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों रिप्लाई का किस तरीके से यूज किया जाता है मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग चले जाते हैं ग्रेड वाले ऑप्शन पर। ग्रेड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमने सेलेक्ट ऑल पे से टिक हटा दिया और यहाँ पर हमने ए बी को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर प्रेस कर दिया ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने जो डेटा दिखना चाहिए वो ए और बी का दिखना चाहिए। अब मान लीजिए आपने इसको चेंज कर दिया, आपने इसको सी में कन्वर्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारी जो कंडीशन है वो ए और बी की है और यहाँ पर जो डेटा हमारा शो हो रहा है ए सी बी तीनों ही शो हो रहा है, यानी कि इस वाली कंडीशन को मैं फिर से रिप्लाई करना चाहता हूँ, यानी जो भी हमने कंडीशन लगाई हुई है उसको वापस से रीअप्लाई करना है। तो उसके लिए जैसे आप रीअप्लाई पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जो भी हमने कंडीशन लगाई थी उसके हिसाब से वापस से ये फिल्टर हो जाएगा, यानी वापस से रीअप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक बेहतरीन ऑप्शन है एडवांस्ड का। एडवांस फिल्टर के बहुत बड़े डेटा में से किसी डेटा को पार्टिकुलर कॉपी करके पेस्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ रोल नंबर्स, नाम, हिंदी, इंग्लिश के मार्क्स लिए हुए हैं।
और हमने उसी हेडिंग को यहाँ पर कॉपी की, कॉपी करके दो बार पेस्ट किया हुआ। मान लीजिए आपको एक कंडीशन दी जाती है कि हिस्ट्री के मार्क्स में से जिसके भी मार्क्स 80 से अबव हैं उनका डेटा आपको अलग से कॉपी करके पेस्ट करना है। तो अगर आपके पास ये बहुत बड़ा डेटा होगा तो उसको कॉपी करके पेस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। फिल्टर अगर आप करेंगे तो फिल्टर करने में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एडवांस फिल्टर का। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में से मुझे 80 से अबव जितने भी मार्क्स हैं उनका डेटा अलग से निकाल करके उसको पेस्ट करना है, तो उसको किस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एडवांस फिल्टर का। तो इसके लिए हम चले जाते हैं हिस्ट्री वाले कॉलम पर और यहाँ पर कंडीशन अपनी यूज़ करते हैं ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80। इसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपको डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी जो भी हमारा डेटा है वो इस डेटा में से फिल्टर होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, सेकंड वाले सेल के अंदर हम रेंज लेंगे किसकी, इस पूरे डेटा की, यानी जो भी हमने क्राइटेरिया रेंज ली है, जो भी हमने कंडीशन अपनी लगाई है। और उसके बाद कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस डेटा को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम रेंज लेंगे इस पूरे डेटा की, यानी जो भी हमारा डेटा कॉपी होकर के यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ओके पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने बड़े डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, अपने बड़े डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था फिल्टर का ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।